हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी। ओके, सो वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कैट 2020 प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज का हम बात कर रहे हैं, और इस टेस्ट सीरीज में आपका जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ टेस्ट सीरीज कैट 2020 प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो है आपका 499 रुपीज, और इस 499 रुपीज में जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड करेगी आर्टिकल्स रिलेटेड टू कैट, और यू विल गेट टारगेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर ईच सेक्शन, एंड यू विल ऑल्सो गेट मॉक एनालिसिस। यू विल हैव ओवर 1500 क्वेश्चंस। ओके, एंड डिटेल सॉल्यूशंस फॉर ऑल द नीडेड क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, इट विल कवर ऑल थ्री सेक्शंस लाइक क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट इज QA, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज VARC, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज DILR। 27 सेक्शन मॉक्स विल बी देयर एंड 3 फुल लेंथ मॉक्स विल बी देयर, एंड दिस टेस्ट सीरीज कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। क्लियर है? तो यू कैन लॉग इन और यू कैन डू साइन अप फॉर फ्री। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम प्रीमियम यूजर, एंड आफ्टर बिकमिंग प्रीमियम यूजर यू कैन अवेल एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट ऑन दिस टेस्ट सीरीज। तो ये सारा बेनिफिट है, और ये सारा बेनिफिट सिर्फ 500 रुपीज में। तो आई थिंक आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज इस प्राइस में इतना सारा क्वेश्चन, इतने सारे मॉक टेस्ट, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको गीक्स फॉर गीक्स में मिलेगा, और इसको आप लोगों को अवेल कर लेना चाहिए। चलिए, सो इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस 15 क्वेश्चंस। ओके, सो 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। वी हैव एन idiom, एंड इस idiom का आपको मोस्ट appropriate मीनिंग आपको बताना है, एंड द idiom इज मेक नो bones अबाउट। सो प्लीज कॉमेंट योर आंसर्स। फटाफट आंसर करिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 seconds। 60 seconds you have, and you have, guys have to comment answer. Okay, so जो आपका मेक नो बोन्स अबाउट है, ये आपका फ्रीज है बेसिकली, किसका? बोन का। फ्रीज ऑफ बोन, एंड इसका मतलब होता है आपका हैव नो हेजिटेशन इन स्टेटिंग और डीलिंग विद समथिंग however unpleasant or awkward it is। ठीक है, तो कोई hesitation नहीं होगा किसी चीज को state करने में, किसी चीज के साथ deal करने में। ठीक है, however वो कितनी भी क्या हो, आपकी unpleasant हो या फिर कितनी भी awkward हो। क्लियर है? अगला था हमारा, ठीक है, तो सेविंग सेट असाइड फॉर फ्यूचर इज, कोई मतलब नहीं इसका। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन, नहीं, नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका मेक नो बोन्स से रिलेटेड में एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको। जैसे हम कह सकते हैं ही मेक्स नो बोन्स About it, he makes no bones about his feelings towards the militant। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल के जरिए आप याद कर सकते हैं कि मेक नो बोन्स का मतलब होता है कोई हेजिटेशन नहीं होता किसी के साथ डील करने में, चाहे वो क्या ही कितने आपका अनप्लीजेंट हो या फिर कितने आपका ऑकवर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ व्हिच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, सो क्या हो जाएगा इसका? 4 वर्ड्स हैं, और चारों में से आपको एक वर्ड चूज करना है जो आपका करेक्ट होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए।
विच वर्ड इज द करेक्ट वर्ड? इटिनरेंट। 60 सेकेंड सभी के पास, कमेंट करिए। सो इटिनरेंट का जो आपका स्पेलिंग होता है ना, वो मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग कंसिडर कर लेना, वही राइट आंसर, ठीक है? ITINERANT, इटिनरेंट आपका क्या एडजेक्टिव है, ठीक है? अगर एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है आपका ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही जो आपका इटिनरेंट वर्ड आपका नाउन है, तो इसका मतलब होता है ट्रैवलर, ठीक है? अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर है? चलिए, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके? इट शुड बी ITINERANT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ओके? चार वर्ड है, इनमें से भी आपका एक ऐसा वर्ड है जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए। फटाफट आंसर करिए, 60 सेकेंड्स है हर क्वेश्चन के लिए। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वर्ड वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चार वर्ड है, उनमें से आपका एक जो वर्ड है वो आपका करेक्टली स्पेल्ड, ओके? सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आपका INIMITABLE, इनिमिटेबल, ठीक है? इनिमिटेबल का मतलब क्या हो जाता है आपका, ठीक है? ये बेसिकली आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या, इट विल बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, ओके? इसका मतलब होता है यूनिक, और वी कैन से डिस्टिंक्टिव, और वी कैन से इंडिविजुअल, ओके? और क्या कह सकते हैं, सो गुड और अनयूजुअल, सो गुड और अनयूजुअल एज टू बी इम्पॉसिबल टू कॉपी। इतना अच्छा और इतना अनयूजुअल कि उस चीज को कॉपी ना किया जा सके, यूनिक, डिस्टिंक्टिव और वी कैन से इंडिविजुअल, ओके? चल, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? इनिमिटेबल, ओके? चल, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फूड। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन, ओके? सो वी हैव अ वर्ड, ओके? और उसका क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना है, मतलब आपको सिनोनिम बताना है। मेलाप्रोपिज्म, प्लीज कॉमेंट योर आंसर्स, यू हैव 60 सेकेंड्स टू कॉमेंट इट, 60 सेकेंड्स टू कॉमेंट द आंसर। मेलाप्रोपिज्म, फटाफट कमेंट करें, 60 सेकेंड्स आर गोइंग टू एंड, फटाफट कमेंट करो भाई, क्या हो जाएगा? मेलाप्रोपिज्म, ओके? सो मेलाप्रोपिज्म मीन, मेलाप्रोपिज्म का मतलब क्या हो जाता है, द मिस्टेकन वर्ड,
मिस्टेकन वर्ड, द मिस्टेकन यूज ऑफ अ वर्ड, इस तरीके से लिखो इसे, द मिस्टेकन यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ सिमिलर वर्ड। कई बार होता है दो वर्ड्स का सिमिलर साउंड होता है और हम क्या कर देते हैं उसकी जगह पे कोई गलत वर्ड यूज कर देते हैं, तो दैट इज मेला प्रोपिज। मेला प्रोपिज का जो सिनोनिम हो जाएगा आपका सोलेसिज्म, सोलेसिज्म और एरर। ठीक है, सोलेसिज्म मतलब आपका मिस्टेक्स, एरर्स, क्लियर है। फेलिसिटी, फेलिसिटी इज प्लेजर, एंजॉयमेंट। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस मतलब हो जाएगा आपका फ्लुएंसी इन स्पोकन। क्लियर है। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मतलब आपका क्वालिफिकेशन। और वी कैन से मैरिट। ओके, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ट करेक्टली। चार वर्ड दिए, इनमें से आपको बताना कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है। ओके, एंड यू हैव सम टाइम, और वे आपका 60 सेकेंड्स, प्लीज कॉमेंट 60 सेकेंड से, कॉमेंट फास्ट, चलो फटाफट आंसर करो 60 सेकेंड से। 60 सेकेंड्स बाद आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन, प्लीज कॉमेंट योर आंसर्स। ओके, सो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है आपका, इट इज अ नाउन, स्पेलिंग में लिख देता हूं, INTER DICTION, इट मीन्स विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटरेक्शन आपका नाउन है, एंड व्हाट इट मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका, द एक्शन ऑफ, द एक्शन ऑफ प्रोहिबिटिंग, द एक्शन ऑफ प्रोहिबिटिंग और फॉरबिडिंग। Forwarding something. Okay. तो ऐसा एक्शन जिसमें प्रोहिबिट किया जा रहा हो किसी चीज को या फिर फॉरबिड किया जा रहा हो। ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5th का ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन given below, okay, and remove, the expression is remove matter thought to be objectionable or unsuitable from a text or account. Chal, please comment kare question number 6 ka answer kya ho jayega iska correct answer. Remove matter thought to be objectionable or unsuitable from a text or account. Question number 6, 60 सेकेंड से फटाफट कमेंट करें, मैं काउंट कर रहा हूं भाई, 10 सेकेंड्स हो गए, 50 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 20 सेकेंड्स,
30 सेकेंड्स फटाफट आंसर करिए। ओके सो 45 सेकेंड्स हो गए, स्टार्ट कर देते। ठीक है, एक्सपो गेट, एक्सपो गेट मतलब होता है आपका इमेंट, सॉरी एमेंट, और वी कैन से मॉडिफाई। ओके तो एक्सपो गेट मतलब हो जाता है आपका, हम कह सकते हैं कि संशोधन करना। ओके दैट इज आपका संशोधन करना, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो एमेंड और मॉडिफाई, और दूसरा आपका एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मतलब क्या हो जाएगा आपका, टू एक्सपेल, टू एक्सपेल इन वायलेंट मैनर। ओके मतलब निकाशित कर देना। डिटैच, डिटैच भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अलग करना, दैट इज डिसेंबल। ठीक है, डिसअसेंबल। ओके एक्सल्ट मतलब बहुत प्रसन्न होना, यू कैन से रिजॉइस, और वी कैन से जुबिलेंट। ठीक है, जुबिलेंट और आपका रिजॉइस। ठीक है, सो रिमूव मैटर थॉट टू बी ऑब्जेक्शनेबल और अनसुटेबल फ्रॉम द टेक्स्ट और अकाउंट, दैट इज अमेंड करना, संशोधन करना। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इसका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चार वर्ड है, इनमें से का आपका एक वर्ड क्या होगा, आपका करेक्टली स्पेल्ड होगा, उसका आपको आंसर करना है। फटाफट बताइए, फटाफट आंसर करिए, 45 सेकेंड्स है सभी के पास। क्या हो जाएगा, चलिए सो इसका तो सिंपल था। सो 7th का डी हो जाएगा, दैट इज वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब हड्डी वाला, वी कैन से। ठीक है, और एक इसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। एन एनिमल, एन एनिमल ऑफ अ लार्ज ग्रुप डिस्टिंग्विश Distinguish by the position of a backbone, of a backbone, or we can say spinal column. Okay, including कौन कौन से, जैसे आपके mammals हो गए, बर्ड्स हो गए, और वी कैन से रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गई। ठीक है, तो हड्डी वाला बेसिकली हम कह सकते हैं कि मतलब जिनमें आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका बैकबोन होती है या फिर आपका स्पाइनल कॉलम होता है, तो उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड। ओके So, 7th का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। चलिए आंसर करिए, नॉट प्लेइंग विद अ
फुल डेप्थ। चलिए क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स से फटाफट आंसर करिए, 10 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्वेंटी सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, चलिए आंसर करिए, कमेंट में आंसर करिए फटाफट से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, क्या हो जाएगा इसका आंसर। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक मतलब क्या हो जाएगा आपका, सीधा आंसर है इसका, ठीक है, पूरी डेक के साथ नहीं खेल रहा है, तो दैट मीन्स आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज आपका मेंटली डेफिशिएंट। ओके इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वी कैन से दिस गाय, दिस गाय हैज अ स्क्रू लूज एज ही वॉजंट प्लेइंग विद अ फुल डेक। मतलब पूरे दिमाग से नहीं खेल रहा हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका क्या है, स्क्रू ढीला है। ओके सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक एक में एग्जाम्पल भी देते रहूंगा, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ओके, इस idiom को, और अकॉर्डिंग टू द आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, नो द रूट्स, इसका मीनिंग आपको बताना है, सेम 45 सेकेंड्स है सभी के पास, चलिए आंसर करिए। फटाफट आंसर करो, 45 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा, ओके सो नो द रोप्स, बेसिकली इसका मत, ये आपका फ्रेज होता है किसका, नो का फ्रेज ऑफ नो, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका हैव हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर। ठीक है, मतलब जो भी आपका प्रोसीजर्स है किसी भी चीज का, उसको बहुत अच्छे से क्या होगा, उसका जानकार होना, ठीक है, तो दैट इज नो द रोप्स। ओके चल क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करेंगे, सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, वन वर्ड आपको बताना है और एक एक्सप्रेशन है उसके लिए कौन सा वन वर्ड सबसे करेक्ट है आपको बताना। ओके अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड, एग्नोस्टिक अपियरी अथीस्ट और एनाई, चलिए आंसर करिए। चलिए आंसर करिए।
वी हैव अ वर्ड दैट इज एग्नोस्टिक, ठीक है, एंड द सेकेंड वर्ड इज आपका अथीस्ट, ठीक है. ओके, सो एग्नोस्टिक वी कैन से गॉडलेस और अथीस्ट, ठीक है. अथीस्ट मतलब अथीस्ट, ठीक है. सो एग्नोस्टिक और अथीस्ट में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है. एक अथीस्ट वो होता है, ठीक है, दैट डज नॉट बिलीव इन अ गॉड और डिवाइन. वे हम एग्नोस्टिक की बात करें, सो एग्नोस्टिक मतलब आपका क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु नाइदर ठीक है हु नाइदर बिलीव्स नॉट डिसबिलीव्स. Neither believes nor disbelieves in a God or religious or doctrine. Clear है? Okay. अपियरी का वी सेंस हम कह सकते हैं मधुमक्खी का पालन करने के स्थान जाता है. एनाइन मतलब हो जाता है आपका बुढ़िया के समान, ठीक है, बुढ़ापे के समान, ठीक है. वी कैन से ऑफ और लाइक अ फीबल ओल्ड वुमेन. ओके चलो, सो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही आंसर है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ओके, सो करेक्ट वन वर्ड विल बी एग्नोस्टिक. Now we will discuss question number 11. Select the most appropriate meaning of the given idiom. We have an idiom and iska most appropriate meaning hume batana hai. On pins and needles. On pins and needles. Chaliye answer kariye. On pins and needles. Comment your answers. 45 seconds hai, 15 seconds are left. Okay. So on pins and needles means आपका we can say आपका ये phrase है किसका, पिंस एंड नीडल्स का. और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है इन अ हेजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस. Or we can say anxious or nervous, especially in anticipation of something. So option number C will be the correct answer for question number 11. Clear? So बहुत simple simple same words, ठीक है, बहुत easy है, ठीक है. और इसको हम कह सकते हैं anxious कह सकते हैं, nervous कह सकते हैं, apprehensive कह सकते हैं, worried कह सकते हैं, on edge कह सकते हैं, edgy कह सकते हैं, tense कह सकते हैं, strained भी कह सकते हैं, stressed, agitated, ठीक है, फ्रेटफुल हम कह सकते हैं, ओके, रेस्टलेस कह सकते हैं, ओके, जंपी, ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स हम इस फ्रेज को दे सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. स्लो एंड क्लम्सी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट. चलिए, फोर वर्ड्स वी हैव एंड हमें एक करेक्ट वर्ड देना है किसको, स्लो एंड क्लम्सी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट. चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12, 45 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स आर लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेकंड्स आर लेफ्ट.
क्या हो जाएगा? ओके चल, सो पॉन्डेरस मतलब हो जाता है आपका, इसका मतलब होता है बोझल, वी कैन से, और वी कैन से अनवाइल्डली, ठीक है, और वी कैन से बर्डनसम। ओके वही हम वेलोरस की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रीव और वेलियंट। वही हम डेकोरस की बात करें, इसका मतलब होता है एलिगेंट, और वी कैन से स्वीव। ओके और सोनोरस स्वीट, मेलोडियस, बस एक ही वर्ड है, दैट इज आपका पॉन्डेरस। ओके सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्लो एंड क्लम्सी बिकॉज ऑफ ग्रेट वर्क, दैट इज बोझल जिसे हम कहेंगे, और वह आपका ए वाला आपका पॉन्डेरस। क्लियर है? बहुत इजी था, वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सारे वर्ड्स का मीनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, सब कुछ सही रहता है, बस आपको फोकस करना होता है। चलिए नेक्स्ट का आंसर करिए। क्या हो जाएगा? पिक इन अ पोक, सेलेक्ट द मोस्ट गिवन इडियम, इसका मीनिंग आपको बताना है। पिक इन अ पोक, चलिए आंसर इट। बेसिकली ये फ्रेज है किसका? पिक का। ट्वेंटी सेकेंड्स हो चुके हैं, सॉरी 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट, सोचिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13, पिक इन अ पोक क्या हो जाएगा? थर्टीन, ओके सो पिक इन अ पोक का मतलब होता है आपका समथिंग दैट इज बॉट और एक्सेप्टेड विदाउट फर्स्ट बीइंग सीन और असेस्ड। ओके सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी सी नहीं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अ डील दैट इज मेड विदाउट फर्स्ट एग्जामिनिंग, ऐसे डील कर देना किसी भी चीज के लिए, ठीक है, या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, बिना उसको देखे या फिर बिना उसे एसेस करे हुए, बिना उसे एग्जामिन करे, तो दैट इज पिक इन अ पोक। वैसे होता है, अब पिक इन अ पोक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, अब पिक इन अ पोक होता है, क्या होता है? अ पिक इन अ पोक। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। चलिए एक्सप्रेस वर्बल डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन 14 का आंसर करेंगे, फिर से आपके पास 45 सेकेंड्स हैं, टाइम इट स्टार्ट्स नाउ। चलिए फटाफट कमेंट करिए। क्या हो जाएगा? ओके सो द फर्स्ट वर्ड इज आपका सेंटोरी। सेंटोरी मतलब हो जाएगा आपका, वी कैन से अ कॉमन नेम फॉर सेवरल प्लांट्स।
सेंज्योर, सेंज्योर मतलब हो जाएगा आपका निंदा करना, कंडेमनेशन। सेंजूर, सेंजूर मतलब हो जाएगा आपका गवर्नर। और क्रिटिसाइज, डिसअप्रूवल। ओके, सेंटिनरी, सेंटिनरी मतलब आपका सेंचुरी भी कह सकते, शताब्दी। ओके, सेंटिनरी तो है ही, ठीक है। चलिए, सो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, सेंजोर। ओके, कंडेमनेशन, निंदा करना, एक्सप्रेस एवर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट। तो निंदा करते हैं हम किसी की, तो सेंजोर उसका मतलब होता है। सो बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, वी कैन से एंटोनिम हमें बताना है, गिवन वर्ड आपका क्विस्लिंग का। क्विस्लिंग 15। फटाफट आंसर करिए, क्विस्लिंग का क्या मतलब हो जाता है? क्विस्लिंग, क्विस्लिंग, क्विस्लिंग मतलब होता है आपका कोलेबोरेटर। और वी कैन से अ ट्रेटर, अ ट्रेटर हु कोलेबोरेट्स विद एन एनिमी, विद एन एनिमी फोर्स ऑक्यूपाइंग देयर कंट्री। ओके, सो क्विस्लिंग का जो अपोजिट हो जाएगा दैट इज पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त। पब्लिक स्पिरिटेड पीपल। ओके, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब आता होता है आपका मनमाना, लाइसेंशियस हम कह सकते हैं, लाइसेंटियस हम कह सकते हैं, और सेल्फ विल्ड। ओके, रेनिगेट का हम कह सकते हैं इम्पोस्टर, पाखंडी। और डिफेक्टर वी कैन से दल बदलू, डेजर्टर। ओके, सो क्वेश्चनिंग का डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका बी था। ओके, और इसी तरीके से हमने सारे 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सो वी विल डिस्कस अनदर सेशन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा कल। ओके, सो गाइस आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा सेशन। यू हैव टू लाइक द सेशन, ओके, एंड डू कमेंट अबाउट द सेशन, कैसा लगा, क्या लगा, क्या क्या चाहिए आपको एग्जामिनेशन के लिए। तो ये पूरा जो सेशन है ये काफी एग्जाम्स कवर करेगा जिनमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर आपका वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे आते हैं। सो सेशन वॉच करने लिए थैंक यू, जितना हो सके इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक करते हुए जाएं। प्लीज डू लाइक द सेशन, डू कमेंट द सेशन। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।